हेलो एवरीवन, आई एम आकाश और वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है, कितने एमएल के कंटेनर होते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कितने कितने एमएल के कंटेनर, क्या क्या यूज़, सीपीडी, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सोस, अगार, एंटीकोगुलेंट वगैरह क्या चीज़, सारी डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग के लिए मैं हमेशा नई वीडियो लेकर आता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आता हूँ। मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैं आपको क्लियर करके दूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। स्टार्ट करते, सबसे पहले मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक वर्ड होता है डोनर, एक वर्ड होता है रिसिपिएंट। दोनों में क्या डिफरेंट है? डोनर शब्द का मतलब होता है डोनर, जो कि दान करे। रिसिपिएंट शब्द का अर्थ होता है जो कि ग्रहण करे। रिसीवर, रिसिपिएंट जिसको हम ब्लड चढ़ाएंगे, और डोनर जिससे ब्लड निकालेंगे। तो निकालना और चढ़ाना, इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ प्रोसीजर इन विच ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट। रिसीव करते हैं डोनर से, ट्रांसफर करते हैं रिसिपिएंट को। समझो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डोनर जो रक्त को दान करता है, उसके शरीर से रक्त को बाहर निकाल लिया जाता है, और इस रक्त को रिसिपिएंट जो कि रक्त को ग्रहण करेगा, उसके शरीर में रक्त को चढ़ा दिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, सिंपल चीज बात कर रहा हूँ कि भाई मैं ब्लड निकालूंगा डोनर से, चढ़ा दूंगा रिसिपिएंट में। डोनर जो होगा जिससे ब्लड निकाला है, रिसिपिएंट वो जिसको ब्लड चढ़ाया है। सिंपल बात है, ठीक है। Sometimes whole blood transfer and sometimes blood component are transfer as red blood cell, white blood cells, blood plasma, clotting factor and platelets। क्या बोलना चाहता है? कभी कभी संपूर्ण रक्त को भी ट्रांसफर किया जाता है, जिस रक्त में सभी प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहे, प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित रहे। सिंपल बात है कि होल ब्लड, आपने सुना होगा उसको होल ब्लड की रिक्वायरमेंट है। होल ब्लड का मतलब क्या हो रहा भाई? होल ब्लड का मतलब ये होता है जिसमें आरबीसी भी उपस्थित है, डब्ल्यूबीसी भी उपस्थित है, प्लेटलेट्स भी उपस्थित है, जिसमें लगभग सभी प्रकार की सेल उपस्थित हो, उसे होल ब्लड कहते हैं। और ब्लड कंपोनेंट का मतलब होता है आरबीसी ट्रांसफ़र कर दी, कभी कभी आरबीसी करना पड़ता, कभी कभी हमें प्लेटलेट ट्रांसफ़र करना पड़ता, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। कभी कभी रक्त के अलग अलग भाग को अलग अलग प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। अब मैं इनको अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मरीज कैसा है, उस मरीज को, उस रिसिपिएंट जो लेगा ब्लड, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमें माइंड करनी होती है। होल ब्लड वहाँ, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पूरा ब्लड उसका लॉस हो गया, उसको क्या ब्लड लगेगा? होल ब्लड लगेगा। होल ब्लड क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हुआ तो उसमें आरबीसी भी निकल गई, डब्ल्यूबीसी भी निकल गई, प्लेटलेट भी निकल गई, तो वो होल ब्लड की रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज़ समझ में आई, डोनर का शब्द का मतलब जो दान करना है, रिसिपिएंट जो रिसीवर जो कि रिसीव करेगा ब्लड को। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या सिद्धांत पे ये काम करता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन? क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी हार्मलेस टू द डोनर एज वेल एज इट इज हार्मलेस टू द रिसिपिएंट। बोलना चाहता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मुख्य सिद्धांत होता है, उसके अनुसार जो रक्त को दान करता है उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और जो रक्त को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है, जो डोनेशन करेगा, दान करेगा, उसको कोई खतरा ना हो, रिसीवर को कोई खतरा ना हो, इस सिद्धांत पे ये काम करता है। क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यह था जनरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कोई डोनर आया, आप किस आधार पर, किस बेस पर उसे सिलेक्ट करोगे? सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? किस आधार पर आप उस पेशेंट को बता पाओगे, उस डोनर को बता पाओगे कि ये डोनर अच्छा है, इससे ब्लड निकाल सकते? देखो, एज शुड बी अबाउ 18 ईयर।
18 से 60 साल के बीच वाले व्यक्ति का ही रक्त निकालना, रक्त देने वाले की उम्र 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। क्या क्राइटेरिया बता रहा है कि 18 से तो ज़्यादा पर 60 साल से कम, बिटवीन 18 to 60, ठीक है, 18 से 60 के बीच में उम्र वाले का ही रक्त हमेशा लेना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया, वेट शुड बी 45 kg, वजन देखो 45 किलो से कम का वजन है हमें नहीं लेना है। 45 किलो एक जनरली सिलेक्टेड क्राइटेरिया है, 45 किलो से अबव वाले का ही हम ब्लड निकालना चाहिए। रक्त देने वाले का वजन 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन शुड बी 12.5 ग्राम, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए उसका, बोल रहा है जो रक्त दे रहा है उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 12.5 ग्राम मतलब 12 ग्राम से ऊपर वाले व्यक्ति का ही ब्लड लेना चाहिए। इससे कम है अगर 11 पॉइंट है नहीं लेना चाहिए ब्लड, उसको डोनेशन भी नहीं करना चाहिए और हमें उस डोनर को सिलेक्ट भी नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। लास्ट ब्लड डोनेशन शुड बी 17 वीक्स, बोलना चाहता है जो व्यक्ति रक्त को दान कर रहा है उसने यदि 17 हफ्ते पहले रक्त दिया हो तो भी उसका रक्त निकालना चाहिए। देखो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये चीज़ भी है कि हमें ब्लड कब निकालना है, हमें पूछना है कि भैया आपने आखिरी बार रक्त कब दिया था। वो पता लगे उसने अभी अगले हफ्ते दिया हो, फिर उसने अपन ने बोला ब्लड दे दे, उसने बेचारा ने फिर निकाल दिया। मरीज को जो डोनर होता है वो नहीं पता है उसको कि मुझे कब कब ब्लड देना है, मुझे कब कब दान करना है। हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिद्धांत बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हानिकारक नहीं होना चाहिए रिसिपिएंट के लिए भी और डोनर के लिए भी, इसीलिए हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज़ समझ में आई कि उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 45 किलो से वजन ज़्यादा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम तक लगभग होना चाहिए और लास्ट ब्लड डोनेशन 17 हफ्ते की होनी चाहिए। 17 हफ्ते पहले रक्तदान किया हो तब हम उसका फिर से ब्लड ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रिजेक्शन, अब किन आधार पर आप पेशेंट को रिजेक्ट कर दोगे, उसका रक्त नहीं निकालोगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो समझ में आया ना, अब मैं रिजेक्शन क्राइटेरिया बताता हूँ आपको। रिजेक्ट किस आधार पर करोगे, इफ़ डोनर हैज़ एनी हिस्ट्री ऑफ वायरल हेपेटाइटिस और एड्स। देखो यदि जो रक्त को दान कर रहा है यदि HBsAg या HBsAg का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या HIV या कोई अदर जीवाणु या विषाणु का इन्फेक्शन हो तो उसे रक्त नहीं देना चाहिए। कोई डोनर आया बोल रहा मुझे ब्लड डोनेट करना है, हमें ब्लड निकालना है, तो उससे बोलना है कि आपने कि भैया आप ये बताओ आपको कोई बीमारी तो नहीं है, पहले जनरल हिस्ट्री लेना है, फिर उसका ब्लड निकाल के हमें कुछ मेजर टेस्ट करना भी पड़ता है। HIV लगा लो उसका, HIV के अलावा HBsAg लगा लो, कुछ ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो लगा के देखना पड़ता है पहले। अगर इस प्रकार की कोई बीमारी उस डोनर को हो तो उसे रिजेक्ट कर दो, उसका ब्लड नहीं निकालो। तो एक रिजेक्शन क्राइटेरिया ये हुआ। इफ़ डोनर हैज़ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया पैरासाइट लास्ट 3 मंथ, 3 महीने के अंदर यदि उसे मलेरिया हुआ है या हुआ था तब उसका ब्लड नहीं लेना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा ही माना जाता है, पर 3 महीने तक मिनिमम हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि 3 महीने पहले हुआ था, भैया साल भर हो गए हम ले लेंगे ब्लड, पर वो बोलेगा नहीं नहीं अगले महीने मुझे मलेरिया हुआ था, तब उसका ब्लड नहीं लेना होता है हमें, ठीक है, रिजेक्टेड कर देना पड़ता है पेशेंट को। जो रक्त दान कर रहा है यदि उसको 3 महीने के अंदर मलेरिया हुआ हो तो रक्त को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इफ डोनर वॉज एल्कोहल ड्रिंकिंग इन 1 डे, यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के नशे का सेवन, एल्कोहल शराब वगैरह का सेवन, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन यदि किया हो तब भी उसको ब्लड ना तो डोनर को ब्लड डोनेट करना चाहिए ना ही हमें उसका ब्लड निकालना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजेक्टेड क्राइटेरिया होते हैं, बस मैंने आपको मेनली बताया है कि भैया जो रक्त दान कर रहा है उसे HIV एड्स या फिर HBsAg जैसी कोई बीमारी ना हो, मलेरिया उसको 3 महीने के पहले हुआ हो और यदि वो ड्रिंक अल्कोहल लेके आया है या और कोई नशे का सेवन कर रहा है तो ब्लड नहीं निकालना है, रिजेक्टेड कर देना उसको। क्लियर आया रिजेक्टेड क्राइटेरिया, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो टाइप ऑफ कंटेनर यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड, हम कितने प्रकार के कंटेनर, कैसे कैसे कंटेनरों का इस्तेमाल करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में,
यहाँ पे देखो इस तरह का एक ब्लड कंटेनर होता है, ये बैग होता है, कंटेनर बैग होता है। इस बैग में हम रक्त को निकालेंगे देन ट्रांसफर कर देंगे। देखो कितने होते हैं, प्लास्टिक बैग 300, ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। 350 ml का बैग होता है जिसमें 49 ml एंटीकोगुलेंट उपस्थित रहता है। देखिए रक्त एकत्रित करने के लिए 350 ml का प्लास्टिक का बैग लिया जाता है जिसमें 49 ml एंटीकोगुलेंट होता है। अब ये आप पूछोगे सर एंटीकोगुलेंट, यार पहली वीडियो देखो जाके, एंटीकोगुलेंट ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि रक्त को जमने नहीं देंगे। रक्त जम जाएगा तो फिर कैसे ट्रांसफर करोगे आप उसको, तो एंटीकोगुलेंट चाहिए। कितना, 350 ml के बैग में कितना होता है, 49 ml गुण 50 ml एंटीकोगुलेंट उपस्थित रहता है। क्लियर है। एक और बैग यूज होता है, प्लास्टिक बैग यूज होता है 450 ml का, विच इज प्रेजेंट 63 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट। ज्यादा रक्त निकालने के लिए, एकत्रित करने के लिए 450 ml का बैग, एक प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लगभग 63 ml एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल होता है। 63 ml एंटीकोगुलेंट कितने ml में, 405 ml। दो तरह के कंटेनर, दो तरह के बैग मैंने आपको बताया, एक बताया है 350 ml का, 350 के ml के में गुण 50 ml एंटीकोगुलेंट उपस्थित है, और 450 ml के ब्लड में कितना, 63 ml एंटीकोगुलेंट उपस्थित रहता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ मैं। एंटीकोगुलेंट वॉज यूज फॉर द कलेक्शन, कौन से एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करोगे आप कलेक्शन के लिए। देखो सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इट इज कॉमनली यूज इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है आपकी वर्ग 5 लैब टेक्नीशियन हुआ या फिर अदर, कि ब्लड बैंक में मोस्ट कॉमनली कौन सा एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ये जो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज होता है इसकी क्वालिटी होती है, ये ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, वो ब्लड हम मरीज को चढ़ाएंगे, जब मरीज को चढ़ाएंगे तो ये सीपीडी भी चढ़ेगा। तो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं होता है, हमारे लिए बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए हम सीपीडी का इस्तेमाल करते हैं, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। एक एंटीकोगुलेंट ये है, एक और यूज होता है एसीडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, इट इज ऑल्सो यूज इन ब्लड बैंक। दो प्रकार के एंटीकोगुलेंट आपको मैंने बताया है, एक बताया मैंने आपको सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, दूसरा मैंने आपको बताया एसीडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं ब्लड बैंक के अंदर। ये चीज समझ में आई आपको दोनों, कि कौन कौन से प्लास्टिक बैग है, 350 ml का और 450 ml का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीपीडी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, और दूसरा बताया मैंने आपको एसीडी एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ये आपको क्लियर हुआ दोनों एंटीकोगुलेंट। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से, एक और यूज होता है सीपीडीए, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन, तीन एंटीकोगुलेंट है टोटल। सीपीडी तो मैंने बता दिया, एसीडी बता दिया, एक होता है सीपीडीए, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज, ये तीन इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट है जो कि लैब में यूज करोगे आप मेनली ब्लड कलेक्शन के लिए, ठीक है। बड़े कंटेनर होते हैं, कंटेनर भी मैंने बताया कैसे ब्लड कलेक्शन बैग होते। आगे बढ़ूँ मैं, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में रखना, ये आपको जरूर एग्जाम में आएगी, चाहे आप नर्सिंग स्टाफ हो चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो। एलर्जिक रिएक्शन सबसे पहले नंबर पे है भैया, एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है। समटाइम्स सम पर्सन डेवलप एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग इचिंग, ये बोलना चाहता है कभी कभी रक्त ट्रांसफर करते समय एलर्जी होने लगती है, जैसे कि खुजली चलना। यदि इस तरह की कोई भी रिएक्शन दिखाई दे तब रक्त को ट्रांसफर करना बंद कर देना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नंबर वन कौन सी बताई, एलर्जिक रिएक्शन। कभी कभी मरीज को एलर्जी होने लगती है, जैसे इचिंग चलना, खुजली चलना। यदि ऐसी कोई दिक्कतें दिखाई दे रही है तुरंत बंद कर दो, ब्लड को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। फीवर, समटाइम सम पर्सन हैज फीवर आफ्टर द रिसीविंग अ ब्लड और ड्यूरिंग द रिसीविंग अ ब्लड, नॉर्मल कंडीशन इट मे बी ऑकर्स। क्या बोलना चाहता है, रक्त ट्रांसफर करते समय बुखार आने लगता है, यह एक सामान्य अवस्था होती है, परंतु यदि बुखार आता है तब उस समय रक्त को ट्रांसफर करना बंद कर देना चाहिए।
चाहिए। फिर बुखार उतरने के बाद तुरंत ब्लड को फिर से ट्रांसफर करना है। देखो फीवर एक नॉर्मल कंडीशन है, हमेशा क्या होता है, हमेशा जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं जब हम ट्रांसफर करेंगे ना उनको, तब फीवर डेवलप नॉर्मली डेवलप होता ही होता है, ठीक है, नॉर्मली फीवर डेवलप होता है, बुखार आता है, जब बुखार बंद होगा फिर से ब्लड वापस कंटिन्यू, एक आम कोई ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है, नॉर्मली ये फीवर डेवलप होता ही है, नॉर्मल कंडीशन है। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन, ये सबसे खतरनाक है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखना, इट इज़ वेरी सीरियस एंड वेरी रियर कंडीशन, इट मे बी ड्यू टू गिविंग अ रॉन्ग ब्लड। यदि देखो यह एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है जिसमें हम शरीर में रक्त कोशिकाएं टूटने लगती, यदि मरीज को गलत रक्त चढ़ा दिया जाए तब यह देखी जा सकती है और इस तरह की रिएक्शन बहुत ही कम देखी जाती है। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब होता है, एक्यूट मतलब सडनली हुई हो, हीमोलाइटिक ब्लड टूट रहा हो, रिएक्शन तो पता ही है रिएक्शन हो रही है, तो याद रखना एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन बहुत रेयर है, हमेशा नहीं देखी जाती, जब भी होती है पेशेंट की डेथ होती है, क्योंकि ये कब हो सकता है, गलत ब्लड चढ़ाने पर, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ए नेगेटिव को आपने बी पॉजिटिव चढ़ा दिया, तुरंत क्या होगा उसकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, उसकी डेथ हैंड टू हैंड हो जाएगी, लीवर फेल किडनी फेल तुरंत ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो याद रखना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तीन प्रकार की होती है, एलर्जिक रिएक्शन जब भी हो तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद कर दो मत करो, फीवर यदि बुखार आ रहा है तो एक नॉर्मल कंडीशन है निकाल दो पैरासिटामोल दो उसको, फीवर उतरे फिर से उसको ब्लड कंटिन्यू करो। एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, ये हमेशा नहीं होती, बहुत रेयर होती है, बहुत कम दिखाई देती है, ये तीनों रिएक्शन याद रखना। आगे बढ़ूँ, ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपको ब्लड निकालना है, ठीक है, फर्स्टली प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजिशन टू द डोनर एंड पुट द हैंड ऑन आर्म रेस्ट, जो बोलना चाहता है सर्वप्रथम मरीज को आरामदायक स्थिति में बिठाया जाता है और उसके हाथों में हाथों को कुर्सी पर रखा जाता है। आर्म रेस्ट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये मैडम है इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा अंग्रेजी है तो वो मैडम है या सर है आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, पर इसको जो लेट्स एंड द टॉपिक, जब भी कोई पेशेंट को बिठाना है चेयर पर, चेयर पे बिठा के उसकी आर्म रेस्ट, ऐसे आर्म रेस्ट होती है उस पर हाथ ये रखे हुए इनके, इस आर्म रेस्ट पे रख देना है पहली कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय। फिर क्या करना है हमें, अप्लाई द टर्निक्यूट एंड सिलेक्ट द हेल्दी वीन, ये बोलना चाहता है कि ये मरीज है इसके हाथों पे यहाँ पे एक टर्निक्यूट अप्लाई करना है, वीन्स को फील करना है। देखो अप्लाई द टर्निक्यूट एंड सिलेक्ट द हेल्दी वीन्स फॉर द कलेक्शन, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ वीन क्लीन द एरिया बाय स्प्रिट एल्कोहल, सबसे पहले मरीज के हाथों पे बाजू पे एक बेल्ट बांधो, बेल्ट बांधने की हिंदी में देख लो यार आप, अब हाथों पर बेल्ट को लगाया जाता है और उस जगह का निर्धारण किया जाता है जहाँ से अच्छे से रक्त निकल सके, अब उस जगह का निर्धारण होने के बाद उस जगह को अच्छे से एल्कोहल की सहायता से साफ किया जाता है और साफ किया जाता है और सुई को निर्धारित जगह पर अंदर डाला जाता है। बोलना चाहता है पहले वीन्स फील करो, देखी अप्लाई किया, फिर उस नीडल को या जो ब्लड कलेक्शन नीडल होती है उसके अंदर डालो, फिर जब ब्लड बाहर आने लगे तब उसको ऐसे ऐसे प्रॉपरली मिक्स करो, हालांकि मिक्सिंग मशीन होती है, देखो पहले क्या होता है हैंड से मिक्स करते थे बट आजकल रोटेटर आने लग गया, उसके ऊपर रख देते ब्लड को, ऑटोमेटिकली मिक्स होता रहता है। ड्यूरिंग द कलेक्शन मिक्स वेल ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट एंड आफ्टर द कलेक्शन अप्लाई द बैंडेज, बोलना चाहता है जब रक्त आने लगे आना चालू हो जाए तब रक्त को अच्छे से समय समय पर अच्छे से मिलाते रहना चाहिए, मिक्सिंग होनी चाहिए तभी एंटीकोगुलेंट प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा वरना ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को बैंडेज लगा दो, बोल दो आप थोड़ी देर बाद निकाल देना, ठीक है। तो ये हुआ कलेक्शन प्रोसीजर, क्लियर है आपको समझ में आया, पहले पेशेंट आया कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाओ, उसका आर्म रेस्ट पे हाथ रखो, सिलेक्ट करो वीन को, नीडल को इंटर करवाओ, ब्लड आने लगे मिक्स करो, बैग यूज कर लो, क्लियर हुआ आपको ये सब चीज़ें। इंस्ट्रक्शन टू द डोनर आफ्टर द कलेक्शन, अब मरीज का हमने ब्लड निकाल दिया, अब उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ बताना है, क्या बताना है आपको, इफ डोनर फील डिजी देन ही लाई डाउन,
यदि रक्त दान करते समय चक्कर आए डोनर को तो उसे अच्छे से लेटा देना चाहिए और एनर्जी ड्रिंक देनी चाहिए। हमने देखा, आपने कभी करे डोनेशन किया हो तो आपको कुछ पीने के लिए देते हैं, वो कलेक्शन के बाद, डोनेशन के बाद आपको कुछ देते हैं, ड्रिंक व्रिंक, एल्कोहल नहीं, मतलब आपको विदाउट एल्कोहल वाली ड्रिंक देते हैं, एनर्जी ड्रिंक, जिससे आपको एनर्जी आए। क्लियर है? डोनर शुड नॉट टेकिंग एल्कोहल आफ्टर द डोनेशन। ब्लड दान, रक्त दान करने के बाद शराब का सेवन नहीं या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोनर शुड बी ईट वेल एंड शुड बी हेल्दी फूड। कलेक्शन करने के बाद डोनर को बोलना है आप हेल्दी खाना खाओ जिसमें ज़्यादा पोषक तत्व रहे, ऐसा खाना खाओ जो जल्दी पच जाए, जल्दी आपको एनर्जी मिले। डोनर को रक्त दान करने के बाद अच्छा खाना खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को लेना चाहिए आफ्टर द डोनेशन के बाद। डोनर शुड नॉट डूइंग हार्ड वर्क आफ्टर द डोनेशन। बोलना चाहता है रक्तदान करने के बाद डोनर को किसी भी प्रकार का मेहनती काम नहीं करना है, कोई भी हार्ड वर्किंग उसे नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्किंग यदि करेगा तो हार्ड वर्किंग की वजह से उसको चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। अब प्रिजर्वेशन कैसे करोगे आप उसको, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका MCQ स्टार्ट होता है। होल ब्लड, पूरा ब्लड जो ट्रांसफ़र करोगे 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21 से 35 दिनों तक आप उसे स्टोर करके रख सकते हो होल ब्लड को। कितने पे? 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21 से 35 दिन तक। रेड ब्लड सेल RBC यदि स्टोर करना है तो 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 42 डेज, 42 दिनों के लिए उसे स्टोर कर सकते हो। क्रायोप्रेसिपिटेट होता है एक, जिसे -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 साल तक भी रखा जाता है। याद रखना है ब्लड के कंपोनेंट है सारे इंपॉर्टेंट है ये। प्लाज्मा, प्लाज्मा को -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 साल तक के लिए भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्लेटिलेट 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए रख सकते हो आप प्लेटिलेट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। ये आपको समझ में आया हो, आई होप के होल ब्लड कितने पे ट्रांसफर करना है, कितने पे रखना है, टेम्परेचर पे, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करके बताओ पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लियर किया है। अगर कोई डाउट हो कमेंट में बताओ, नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। कीप सपोर्ट गाइस।